हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फडणवीस बने चर्चा का विषय। हैदराबाद पहुंच रहे पार्टी नेताओं को देनी पड़ी सफाई। मुंबई, महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन और इसके मुखिया रहे देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद दिए जाने की चर्चा हैदराबाद में हो रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का विषय बन गया। सबसे ज्यादा चर्चा देवेंद्र फडणवीस की हो रही है। भाजपा के प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं, लेकिन सबके मन में फडणवीस ही छाए हुए हैं। फडणवीस के मुद्दे पर कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी को सफाई पड़ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने पहले एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने का निर्णय लिया और उप मुख्यमंत्री बने। इस सत्ता नाट्य में फडणवीस की नाराजगी की बात आग की तरह देश भर में फैल गई। भाजपा कार्यालय में मनाए जा रहे जश्न के समय भी फडणवीस अनुपस्थित थे। फडणवीस की नाराजगी पर जब महाराष्ट्र भाजपा प्रभारी सीटी रवि ने सवाल पूछा गया तो वे सवाल से बचते रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो निर्देश देती है उसका पालन करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह सूचित किया था, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। फडणवीस भी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी पार्टी निर्देश का पालन किया है। हम छोटे बड़े में फर्क नहीं करते हैं। सीटी रवि ने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। एकनाथ शिंदे ने भी पार्टी के निर्देश का पालन करने पर फडणवीस की प्रशंसा की। राष्ट्रवादी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि भाजपा अनुशासित पार्टी है। देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के निर्णय का सम्मान करते हुए उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया है। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष अधिवेशन 3 और 4 जुलाई को बुलाया गया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। महाराष्ट्र में अधिवेशन के कारण फडणवीस भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होने जाएंगे। इस सवाल का जवाब देने से सीटी रवि बचते रहे। फडणवीस की तरफ से अभी इस पर कुछ नहीं कहा गया है। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से नीरज तिवे की खास रिपोर्ट।